अरशद शरीफ किनिया के दौरे पे थे कि उन्हें किसी ने गोली मारकर कत्ल कर दिया। जी हाँ, आपने सही सुना, अरशद शरीफ अब हम में नहीं रहे। कुछ लोग तो इसको हादसे की नज़र कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इसे सियासी पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। कुछ खबरों में ये नज़र आ रहा था कि वो किसी हादसे का शिकार हुए जिसकी वजह से उनकी मौत वाकई हुई, और कुछ लोग उन्हें गोली मारने का इंकशाफ कर रहे हैं। अरशद शरीफ एयरवे के साबका और सीनियर सहाफ़ी थे, जो कि कुछ दिन पहले लंदन गए हुए थे। इसके बाद वो कीनिया के दौरे पर थे, लेकिन अभी फैमिलीज और कुलीग से ये मालूम हो रहा है कि उन्हें कत्ल कर दिया गया है या वो किसी हादसे का शिकार हो गए हैं। अरशद शरीफ 1973 22 फरवरी को कराची में पैदा हुए और कीनिया के शहर नैरोबी में इंतकाल कर गए हैं। बहुत से लोगों को ये यकीन नहीं आ रहा कि अरशद शरीफ इंतकाल कर गए हैं। उनके अपने ही साथी काशिफ अब्बासी ने ये ट्वीट किया है कि मैं ये यकीन नहीं कर सकता कि उन्हें मार दिया गया है, मेरे साथी को, मेरे अजीज को कीनिया में मार दिया गया है। उनकी असल मौत की वजह तो अभी तक मालूम नहीं हो सकी। कुछ लोग उन्हें गोली मारने का इंकशाफ कर रहे हैं, लेकिन डेली जंग और दूसरे न्यूज़ के मुताबिक उनकी रोड एक्सीडेंट में मौत हुई है। अरशद शरीफ हाल ही में ही काफ़ी मुश्किलात का सामना कर चुके थे, चाहे वो किसी FIR की सूरत में हो, या फिर उन्हें हरासा करने की सूरत में, या फिर उनको मुल्क को ज़बरदस्ती छोड़ने की सूरत में। भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो कितनी मुश्किलात का शिकार रहे थे।